आप सब वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। सुबह हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, आशीष जा चुके हैं और अब चल रही है सफाई अभियान। ठीक है, तो लता आई है, ऐसा नहीं है नहीं आई है, आज आ गई है बेचारी। बट मैं करती नहीं हूँ, मोस्टली थोड़ा बहुत इसके साथ में करवाती हूँ। बाकी आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा तुम करो थोड़ा मोड़ा काम, मैं करवाती हूँ बाकी। तो यहाँ पर चल रही है सफाई अभियान और मैंने मंगाए हैं नए बॉटल फ्रिज के और सारा मैंने वापस दे दिया लता को। लता ले जाएगी अपने घर वो वाले बॉटल। सही है, वो बॉटल ख़राब नहीं है, बस क्या था ना कि उनका एक सेट ख़राब हो गया है। मतलब अगर कोई कप है, कोई गिलास है और अगर इनका एक सेट टूट जाता है, मतलब एक गिलास टूट गया या एक कप टूट गया या एक प्लेट टूट गई, तो फिर मेरे को ना वो अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें, तो फिर मैं उनको हटा देती हूँ। मैंने कहा तुम ले जाना, तो लता ने बोला कि साहब यहीं रख दूँ मैं, ना बर्फ़ वगैरह जमा करके फ्रिज में पानी ले जाया करूँगी गर्मी में। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो बस अभी मैं सफाई कर रही हूँ थोड़ी सी किचन विचन की, क्योंकि ना बहुत गंदा हो जाता है किचन। लता ये कप और ये जो है ना ये यहीं रहेंगे, इनको यहाँ से छेड़ना नहीं है। ये वाले चॉकलेट नहीं है ना, तुमने तो सारा खा लिया था। अभी बताती हूँ, तो अभी बताती हूँ। चॉकलेट है और नहीं होती तो मारूंगी इसको मैं। नहीं है, सब खा लिया इसने। लता तुम ना उधर वो करो, मैं बर्तन कर लूंगी, मैं किचन कर लूंगी, मैं बर्तन कर लूंगी। तुम ऐसा करो इनको नहलाओ और इनके जो सारे टॉय वॉय है ना ये सब काम कर लो, छोटे मोटे वाले। और ये डस्टबिन आ गई ना, ये कूड़ा डाल दो इसमें, बस मैं कर रही हूँ किचन। कृष्णा को ब्रश कराना है। लाडू जाओ, और आज आप लोग के साथ में हम शेयर करेंगे लाडू का कुछ ऑयल और अपना मेरे को टोनर बनाना है। मैंने अपने सारे ही टोनर के जो भी बर्तन वर्तन हैं जिसमें मैं टोनर और रिंस वाटर रखती हूँ और शैम्पू, उसको धो दिया है। दोनों बॉटल है इसमें ही रखती हूँ, ख़त्म हो गया, धो दिया है मैंने इनको और इसमें रखूँगी। ये है मेरा शैम्पू का जार, इसमें बनाऊंगी शैम्पू। ठीक है, अब देखो आप लोग कितनी सारी चीज़ें नई नई बना के रखी हुई हैं, अभी सब इनको यूज़ करूँगी। रात में लगाऊंगी तो कल वॉश कर लूँगी। फेस मास्क भी लगाना है, बट उससे पहले मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी इस लिपस्टिक के स्वॉचेस, क्योंकि मैंने ना कुछ लिपस्टिक मंगाई थी, वो लिपस्टिक आ चुकी हैं तो वो शेयर करूँगी। गैस की क्लीनिंग किससे करती हैं, बहुत चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मैं को ना गैस की जो क्लीनिंग करती हूँ, ये देखो आप लोग कितना चमक रहा है ना इसमें, ऐसा दिखता है कि मुंह दिख जाएगा। देखो मेरा मुंह दिख रहा है ये देखो मेरा मुंह दिख रहा है तो मुझे ना गैस ऐसी ही पसंद है, साफ़ सुथरे, बिल्कुल क्लीन एंड नीट, सब कुछ मतलब व्यवस्थित चाहिए होता है। ठीक है, और मैंने देखो नेल पेंट लगाई थी न्यू डिज़ाइन में। अभी आप लोग को यहाँ पर मेरा हाथ अजीब सा दिख रहा होगा क्योंकि ना मेहंदी लगी हुई है। तो हमारा गैस का काम हो गया
और अब हम लोग करेंगे बर्तन क्लीन, उसके बाद से घर को व्यवस्थित। अब लोग फेस कितना ज़्यादा क्लीन क्लीन सा लगता है, इसमें कोई फिल्टर मैंने नहीं यूज़ किया है। और बहुत सारे लोगों को मेरा ये मंगलसूत्र पसंद आ रहा है, ये मेरा मंगलसूत्र गोल्ड का है, ठीक है, ये नकली नहीं है। बट मैंने इसको बनवाया है 18 कैरेट में, क्योंकि ना देखो 18 कैरेट में क्या होता है, लाडो पकड़ पकड़ के खींचती रहती है, 22 कैरेट का फट फट टूट जाता है। तो आप 18 कैरेट में बनवा सकते हो। और ये रत्न है, ग्रीन कलर का जो ये रत्न है, तो ये ऐसी ही स्टोन है, कोई रत्न नहीं है ये। मतलब कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि रत्न हम कोई भी पहन लें, नहीं, रत्न आप कोई भी नहीं पहन सकते। ये मेरी डायमंड की रिंग है, आशीष ने मुझे ये दिलवाई थी, तो ये मेरी आई है शायद 3 लाख के करीब की आई है, थोड़ा सा पैसा कम होगा तो 3 के करीब है, ठीक है। ये मेरी सारी 18 कैरेट की रिंग है, बहुत सारे लोगों को मेरी पसंद आई थी तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। और एक दो लोग और मेरे से पूछते हैं आपने ये थंब में क्या पहना हुआ, ये जो थंब में है ना मेरा, ये है मेरा चांदी का रिंग, यानी कि सिल्वर का रिंग है ये, छल्ला है, इसको चांदी के रिंग बोलते हैं, थंब रिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। बट ये जब आप पहनते हो ना, तो इसमें आपका कोई कट नहीं होना चाहिए, आप लोग देखो इसमें कोई कट नहीं है, ये विदाउट कट पहनते हैं। दूसरी चीज़, इससे ना आपको बहुत शांति मिलती है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपके फेस पर ग्लो रहता है, पिगमेंटेशन, रिंकल। देखो हमारे जितने भी ग्रह ना, सबका हमारी स्किन बॉडी सब पे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है, तो हमें हर एक चीज़ का फोकस करना चाहिए, हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये 18 कैरेट की रिंग्स हैं मेरी, ये डायमंड की है, ये चांदी की है अगेन, ठीक है, और ये हमारी चांदी की, ठीक है। ये मेरा 18 कैरेट का मंगलसूत्र है, ये मेरा गोल्ड का है, ठीक है, और ये सारे मेरे गोल्ड के। मैं मतलब लॉन्ग वाली कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे चेंज करनी रहती है इस वजह से, क्योंकि सोना चाहे 18 कैरेट का हो चाहे 22 कैरेट का, खोना नहीं चाहिए, खोता ना तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अच्छे से सारी क्लीनिंग कर ली थी मैंने, पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से कुकिंग वाला क्लीन कर लिया था, और अब उसके बाद से मैं करूँगी यहाँ पर बर्तन की क्लीनिंग, क्योंकि ना लता को थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और मुझे लगा था कि शायद बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब होगी, बट उसको तबीयत में दिक्कत थी, उसको लूज मोशन हो रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि उसके पेट में ना दर्द हो रहा था, तो उसने मेडिसिन तो ली नहीं थी, क्योंकि उसके घर में कोई मेडिसिन दिलाने वाला है नहीं। और फिर उसके बाद से मैंने इसको मेडिसिन दी, मेडिसिन लेने के बाद से इसको आराम लगा, उसके बाद से इसने काम किया, झाड़ू वगैरह मैंने लगवा दिया था, पोछा लगाया था लता ने, फिर उसके बाद से आज बहुत सारे काम निपटाने पड़े खुद से, इसलिए ब्लॉग अभी तक नहीं एडिट हो पाया था, और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और आप लोग के साथ में भी शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं इस वजह से, और आज भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं जो कि निकलने हैं हमारे, तो संडे तो नहीं निकलेंगे, मंडे निकलेंगे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमने रेडी किए हैं, तो एक ही साथ हम सोच रहे हैं 20 से 25 प्रोडक्ट निकाल देंगे मंडे को, तो जिनके भी ऑर्डर अभी नए आए हैं उनके प्रोडक्ट अभी रुकेंगे, और जिनके प्रोडक्ट पुराने हैं तो उन लोगों के प्रोडक्ट हम डिस्पैच करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने आज आप लोग के साथ में लाडो का हेयर ऑयल शेयर कर दिया है, आप लोग वो देख लीजिएगा, किसी गिरेगी ना वो तो बताऊँगी तुझे। तो यहाँ पर मैं अपना बर्तन क्लीन कर रही थी, और यहाँ पर बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद से मैं किचन वगैरह जो भी क्लीन करना होता है वो कर रही थी, क्योंकि ना यहाँ देखो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ किसी की हेल्प कर रहे हो, तो ये आप ही का घर है, ठीक है। जब आपका घर है तो आपको अपने हिसाब से ही घर को टैकल करना होता है, और आपको अपने घर को ही अच्छे से व्यवस्थित करना होता है, तो बस इसीलिए। और बस ये है कि हाँ, लता को मैं बुलाती हूँ, उसको मैं काम पे रखी हुई हूँ, क्योंकि ना मेरे पास काम बहुत होता है तो हेल्प हो जाती है, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, और बच्चे मेरे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ शेयर करना। ये एक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों के दोनों, लाडो कृष्णा दोनों ही बहुत एक्टिंग करते हैं। लाडो झुंड करो, ये कभी दिखाऊँगी आप लोग को उसकी एक्टिंग ड्रामे। लाडो गीत का की करा, हमेशा मेरा गुड्डू देखो कैसे सतानी कर रही है, बस इस तरीके से ये सतानी करती रहती है लाडो हमारी, और हम अपना काम करते रहते हैं आप लोग के साथ में, ठीक है। और बस आप लोग के साथ में अपना पूरा ब्लॉग शेयर करते हैं, आप लोग देखा करो, आप लोग को अच्छा लगता है, मैं इसलिए शेयर करती हूँ। बहुत मेहनत होती है यार घर का काम व्यवस्थित करना, बहुत सारी चीज़ें करना, और पॉसिबल नहीं होता है, इतना इजी नहीं है घर को मेंटेन करना बच्चों के साथ में और हर एक चीज़ को, तो बस वही सारी बातें क्या करना है बार बार कह करके। तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन है वो सारे क्लीन हो गए हैं, मैं इनको रिंस करके बास्केट में डाल दूँगी इजीली अच्छे से। यहाँ पर अगर हम बास्केट में डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि अपना पानी जो है वो सोख लेता है, नीचे ट्रे है यहाँ पर, तो अच्छे से पानी सोख लेता है, और उसके बाद से हमारे जब बर्तन सूख जाते हैं तो फिर हम ड्रॉर्स में इसको लगा देते हैं,
क्योंकि ना जो हमारा ड्रॉअर है जो भी हमने बनवाया है किचन, तो उसमें क्या होता है कि पानी अगर जाएगा, वो लकड़ी का होता है पूरा, तो पानी से वो ख़राब हो जाता है इसलिए। तो अब यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं, तो चलो आगे का दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली यहाँ पर सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, भगोना वगैरह सब मैंने वॉश कर दिया है। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं वॉश कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद से पूरा सिंक अच्छे से मांज देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करूँगी और बच्चों को ज़्यादा से कपड़े वपड़े नहला के पहनाने होते, तो मिलते हैं शाम को, ठीक है, बाय। लाडो ना लता चली गई है और अब यहाँ पर टाइम हो गया है, कृष्णा सो गया है और लाडो जगी हुई है, देखो खेल रही है लाडो अपने स्लीपर लेके। लाडो क्या कर रही हो तुम? बब्बू मामी कित का पप्पू मम्मी ओ मेरी सोना मेरी टकले लाडो ना इतना अच्छी लगती है, मन करता है इसको एकदम सजा धजा के रखूं, नजर लग जाती मेरी बेटी की। बट मैं बहुत वेट भी करती थी कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसको ये लगाऊंगी वो लगाऊंगी, और यार अब दूसरा जन्म थोड़ी लूंगी ये सब करने के लिए। तो अब आ चुकी है ना, तो मैं इसको सब कुछ लगाती हूँ यार, बिंदी भी लगाती हूँ, लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। बस लिपस्टिक इसलिए नहीं लगाती ना, होंठ काले हो जाते हैं, तो लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि लाइफ इसकी नहीं ख़राब करनी है मुझे, है ना। तो लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए बच्चों को मेरे ख्याल से, तो बाकी सब तो मैं लगा देती हूँ इसको, बिंदी से कोई दिक्कत नहीं होती है, है ना। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, कपड़े डाल रही हूँ मैं, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। लाडो से मैं लाडो के लैंग्वेज में बात करती हूँ, पी पटका छी पटका की पटका अज्ञा लाडो की छीपल आ रे गो लाडो की छीपल की गई लाडो की दोषी छीपल। चलो अभी लाडो के पास में सिर्फ चार स्लीपर है, खरीदेंगे लाडो के स्लीपर। अभी लाडो ने चलना शुरू किया है और दो यहाँ पर है, ये सारे ना मैंने आज वॉश किए हैं, अभी छोटी है ना तो इनके तो यहीं रख देती हूँ, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, कृष्णा उठेगा तो एडिट कर लेते हैं ब्लॉग। की कर रहे थे? चलो कृष्णा चले हम लोग, चलो कृष्णा हम लोग चले, लाडो को नहीं ले जाएंगे, चलो कृष्णा। चलो कृष्णा चलो घूमी चलो घूमी चलो घूमी घूमी चलो घूमी घूमी चलो घूमी 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 घूमी। जब मैं जा रही हूँ लाडो का ऑयल बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में ब्लॉग एंड करूंगी, क्योंकि शाम हो गई है और पूजा भी करना है मुझे। आज कृष्णा को ट्यूशन नहीं भेजा मैंने, बिकॉज क्या ना बहुत तेज आंधी चल रही है, तो कहाँ लेके जाऊंगी बच्चे को। वेर इज लाडो? लाडो तुम क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? देखो इनको कितनी जल्दी पड़ी जाने की, इनको जाने की जल्दी पड़ी है। आओ देखो, हटो लाडो, हटो लाडो, हटो लाडो, हटो पैर, हटो पैर, पैर देखो कितनी बार। अब मैं यहाँ पर आ गई थी नहा करके, और पूजा वूजा करने के बाद से शाम का टाइम था, मैं कृष्णा को यहाँ पर दूध दूंगी बना करके, और यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे थे मेरे। और देखो शाम हो गई है, मैं आप लोग को दिखा रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, आंधी वांधी आ रही थी, आप लोग क्या आ रही थी नहीं आ रही थी वो बताइएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों खेल रहे हैं, दोनों को मैंने आज सेम ड्रेस पहनाई थी, और मैंने अभी नहा करके पिंक वाली सूट पहनी है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि आप लोग देखो यहाँ पर टाइम हो गया है 6:26, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो कृष्णा को दूध दे देती हूँ। आज मैंने कृष्णा को ट्यूशन से लेने भेजा, बहुत ज़्यादा तेज तेज आंधी आ रही थी, तो कृष्णा ने कहा मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा चलो ठीक है मत जाओ फिर। तो बस यही है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सबको फ़ोन चाहिए, सबको परमानेंट एक फ़ोन दे दो, हम लोगों के पास फ़ोन हो या ना हो पर इन बच्चों को फ़ोन ज़रूर दे दो, है ना। तो आप लोग देख रहे हो आज मेरी छोटी कितनी मोटी ज़्यादा होने वाली। तो मैंने अब यहाँ पर अपना बनाया है रिंस वाटर, मैं इसको डाल दूंगी, कल मेरा हेयर वॉश है तो मैंने कहा चलो अपना प्रिपेयर कर लूंगी तो सही रहेगा, क्योंकि ना क्या होता है मुझे ना आप लोग के साथ में हर एक चीज़ दिखानी ही है, कोशिश रहती है कि हाँ दिखा दो। अब देखिए बन गया है मेरा,
ये रिंस वाटर, तो तीन बार ये यूज़ हो जाएगा। कल संडे ही है तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँगी। और आप लोग छोटी देखते रहना इस वीडियो में, धीरे 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 आप लोग को कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। कहते ना मेहनत करते तो रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही थी फेस टोनर, मैं शाम को अपना फेस टोनर ज़रूर लगाती हूँ नहाने के बाद से, पूजा करने के बाद से, क्योंकि फिर हम सारा दिन काम करते हैं पूरी रात तक, तो हमारे फेस पे ही अच्छे से काम करता रहता है। फिर उसके बाद से मैं एक बार और लगाती हूँ, जब मैं अच्छे से फ्री हो जाती हूँ खाना पीना करके, किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा करके, फिर मैं एक बार और लगा लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था साइड में मेरा। बहुत सारे लोगों ने आपका जो टोनर है वो दूध में चला गया, तो टोनर कोई हार्मफुल वाला नहीं है, पानी है और गुलाब जल है और इसमें हमारा फेनल सीड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा जो टोनर है मैंने अपने फेस पर लगा लिया है, और मैंने जो अपना रिंस वाटर बनाया था तो उसका जो मिक्सचर है उसको मैंने निकाल दिया है, और इसको मैं कांच की कटोरी में रख दूँगी। और इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ हेयर पैक, जैसे पैक लगाऊंगी मैं कल, तो उसमें डाल दूँगी मैं जो नया हेयर पैक लगाऊंगी। तो अगर आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा अगर आप लोग की डिमांड होगी इस ब्लॉग के लाइव होने के बाद, तो आप लोग की डिमांड होगी यस की, कम से कम मेरे पास 50 कमेंट आएंगे यस के, तो मैं आप लोग के साथ में कल वाला हेयर मास्क शेयर कर दूंगी कौन सा मैं यूज़ करने वाली, क्योंकि मैं कल नया हेयर मास्क यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरा यही रहता है कि हाँ मुझे ना कुछ नया ट्राई करना रहता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है, जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँगी तभी तो मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँगी, तो बस इसलिए है ना। तो बस चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लाडो का ऑयल कैसे बनाना है, और आप लोग देख भी लोगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई दीदी आप ऑयल नहीं बता रही हैं, कब बताएंगी कब बताएंगी कब नहीं बताएंगी, तो मैंने कहा चलो आज आप लोग को बता देते हैं। लाडो का ये जो मैं ऑयल लगाऊंगी ये सिर्फ 15 दिन यूज़ करूँगी, 15 दिन के बाद मैं चेंज कर दूँगी। लाडो फिर से कल गंजी हो जाएगी, अभी इसके बाल आप लोगों को शो कर दूँगी मैं कल के ब्लॉग में, जो कल मॉर्निंग वाला ब्लॉग आएगा उसमें शो कर दूँगी, अभी के ब्लॉग में तो नहीं। अब यहाँ पर जो तेल मैं बना रही हूँ उसको मैं बनाऊँगी बेस ऑयल में, मैं 3-4 तरीके के ऑयल लूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून के करीब ब्लैक कैस्टर ऑयल, और बेस ऑयल में मैं यहाँ पर लूँगी फ्लैक्सीड का ऑयल, और नेक्स्ट मैं यहाँ पर डालूँगी एवोकाडो ऑयल, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये 3 ऑयल लिए हुए हैं, बहुत अच्छा ऑयल है, आप सभी बच्चों को यूज़ कर सकते हो, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, सभी के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लेवेंडर 1/2 टेबल स्पून के करीब, और उसके बाद से थाइम डाल रहे हैं, थाइम नहीं है तो आप यहाँ पर अजवाइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से मैं यहाँ पर डालूँगी रोज़मेरी, रोज़मेरी भी आप यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ऑयल है बन करके इसको ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड करने के बाद से आप क्या करेंगे इसको डबल बॉयलर मेथड से हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद से आपका जो ऑयल है बनकर रेडी है। इसमें आप 5 बूंद, बच्चे हैं ना तो बच्चों के लिए सिर्फ 5 बूंद पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डालूंगी मैं, क्योंकि ना इसके पोर्स जो बंद हो चुके हैं उसको ओपन करना है। तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, इसकी वीडियो भी शेयर करती रहूँगी, आप लोग तो देखते ही रहते हो लाडो की वीडियोज़, तो जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर मैं आप लोग को बाल लगा दिखाऊँगी, तो बाल उग जाते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो तेल है अच्छे से बन रहा है, अच्छे से हीट हो जाएगा 10 मिनट 5 मिनट, जो भी जितना भी आपके पास में टाइम हो उस हिसाब से आप इसको हीट कर लीजिए, और बीच बीच में इसको चलाते रहिए, जिससे कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से पक जाए, बढ़िया से बन जाए। तो अब यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, कृष्णा को तो मैंने दूध दे दिया था वैसे, अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, बस एक बार वीडियो पब्लिश कर दूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए कि दीदी आज ब्लॉग नहीं आए। कुछ लोगों का मैसेज ये भी है कि दीदी हमारे बाल एकदम से झड़ने लगे, तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियों में बाल झड़ने लगते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है। अब यहाँ पर ये जो कंटेनर मैंने दिखाया है इसमें ही रखूँगी मैं लाडो का ऑयल, ठीक है। और मैं लाडो का जब ऑयल बनाती हूँ ना तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर यूज़ करती हूँ, उसको पानी तेल में डालकर नहीं रखना, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पर ना हनुमान चालीसा चलाया हुआ था शाम का मंदिर में, तो क्या है ना कि मुझे बंद करना होता है, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाए। स्टॉप, कॉपीराइट क्लेम आ जाता, ठीक है, चलो बाय।